तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में स्टार्टिंग हो रही है आलू की टिक्की से। ही सुबह नाश्ता बना था, नाश्ते के कुछ देर बाद ही हमने बना लिया टिक्कियाँ। जैसे अगर आपको याद हो, हमने दही बड़े बनाए थे तो इमली की चटनी बहुत सारी बनाई हुई थी, वो इकट्ठा रखी हुई है। तो सोच रहे हैं कुछ कुछ ऐसी चीज़ें बना लिया करेंगे, वो भी यूज़ में आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने आलू की टिक्की बनाई है, आज कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। कुछ लोग चावल का आटा भी करते हैं, बट हमने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर ऐड किया है और बहुत टेस्टी बनी, क्रिस्पी बनी है। और मैंने इसकी रेसिपी नहीं रिकॉर्ड की, बस जस्ट बना लिया था। और हाँ, लेकिन ये है जैसे कि एकदम से मन में आया बनाया, तो जैसे छोले की सब्जी होती है कुछ कुछ चीज़, तो वो सब नहीं थी, बस हमने टिक्की पर ही चटनियाँ डाल के खाया हैनी, था। हैनी को नहाना कब है? हैनी पीछे ये वाला दिखाना अपना फेस कैसे हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, बढ़िया वेलकम टू माय बढ़िया चैनल। कैसे हैं आप बढ़िया सभी लोग? आज है संडे, डेट है 28th of November, और अभी संडे का दिन है, बच्चों का भी नहाने का नंबर नहीं लगा है। कैसे हो सैंडी? आप कब नहाओगे? आप कब नहाओगे पता नहीं, पता नहीं? अभी कोई लाडू नहीं है, हाँ अभी कोई लाडू नहीं है। अच्छा, अभी गीजर लगेगा, इनका नंबर लगेगा मम्मी नहाने। लोग अपने आप नहाओगे? एक दो तीन चार। दीदी दीदी को नहाना है? दीदी को? दीदी दीदी को भी नहीं? अरे हाँ, दीदी संडे संडे नहाती है। और फ्रेंड्स, पता है क्या, ये हमारे हमारे घर में आजकल कुछ आयुर्वेदिक चीजें चीजें औषधियाँ बहुत ज्यादा यूज हो रही है, और वो पीनी पड़ती है सिया सैंडी हैनी को। अभी मैं तो दिखाती सारी हूँ। नहीं है, वहाँ पे भी रखी है। हाँ, कुछ अलग रखे हैं वो, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ एक एक करके। मैंने आपको पहले भी दिखाए थे, लेकिन और उसमें ऐड हो गए हैं, पापा जी ने और ऐड कर दिए हैं। बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं पापा जी आयुर्वेदा में, दिखाते हैं एक एक करके। और ये इन बच्चों का लेने का मन नहीं करता है। लाइक ये है, और ये डब्बे और रखे हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक ये दवाई है, नाम 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 क्या है इस पे? ओके, नाम मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और ये पाउडर है, हैनी को पीना है क्या ये? हैनी, ये कैसा लगता है पीने में? अच्छा लगता है पीने में? और सैंडी आपको कैसा लगता है? क्या बच्चों को ये चीजें नहीं पसंद आ रही हैं? पर वही है कि ठीक है, कुछ पापा जी को लगता है कि अच्छा रहेगा तो इस वजह से पीते हैं बच्चे। चलिए, इधर ना, बोल के उधर पानी का कम है। हाँ, पालक है दीदी। अरे इधर कुछ ये मेथी टाइप की डाल। और ये भी तो पेड़ है ना, एक ही सैतूत का। हाँ अच्छा, हाँ, बेर का है पता नहीं किस चीज का, ये वाला पता ना, बेर का है शायद, ये वाला छोटे छोटे हैं तो क्या है पता नहीं। दूसरे दूसरे के घरों में मुआयना करते चले करो, तुम्हें कोई काम धंधा नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कपड़े सुखाने के लिए आए थे आज, और फिर वही है, थोड़ा सा आस पड़ोस में देखने लगते हैं क्या चीज़ कैसे हो रही है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लांट्स वगैरह बहुत हैं, और मतलब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी देखने में मन लग जाता है। तो फिर वीडियो देख के आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर भी ये जो घर है, इसके ऊपर जो ये प्लांट लगा होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं कि ये कौन सा है, इसका नाम नहीं पता था, बट हमें तो इस तरह के डिस्कशन चलते रहते हैं। हमारे साइड में जो जगह है, ये पहले बहुत मतलब इतना कुछ नहीं था यहाँ पे, और अभी देखो इनके पास जो ये ना वो रखते हैं, एनिमल्स रखते हैं, गाय भैंस, दूध का काम है इनका, डेयरी वगैरह का। तो इन्होंने इस तरह से अरेंज किया है इस खाली जगह को इनके रहने के लिए, ऐसे मतलब इस तरह से जगह शेल्टर बनाए हैं इनके लिए एक, और अंगीठी वगैरह रखी हुई। तो ऐसी चीज़ें ना देखने में अच्छी लगती हैं, तो मैं हम बस उसी सब के बारे में बात कर रहे थे, बल्कि खुद कह भी रहे थे आप लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, कि बस इन्हें और कुछ काम नहीं है, आस पड़ोस में ताके जाके कर रहे हैं। लेकिन मतलब वही है, अब इतना तो सभी करते हैं, छत पर खड़े होते हैं तो थोड़ा इधर उधर तो निगाहें चली ही जाती हैं, है ना? तो बस। और फ्रेंड्स, अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर किया था हमारी एनिवर्सरी का व्लॉग, अंधेरा हो गया था सारा। और जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि दो हमारी और दीदी की एनिवर्सरी साथ में पड़ती है,
तो अब की बार ना हमें एनिवर्सरी पे कुछ ऐसा गिफ्ट मिला है जो बिल्कुल भी प्लान्ड नहीं था। होता है ऐसे, होता है ना कि कोई चीज़ हम बनने के लिए देते हैं तो अनप्लान्ड होता है और वो हमें तब मिल जाती है, जैसे अब हमारी एनिवर्सरी थी तो उसके 2 दिन बाद ही हमको रिसीव हुई वो चीज़ें। एक्चुअली क्या है, मम्मी जी ने ना ज्वेलर को एक डिज़ाइन दिया था बनाने के लिए और मेरे और दीदी दोनों के लिए था वो, बट फिर कुछ कुछ चीज़ें हुई और उसके बाद हम लोगों के भी दिमाग से निकल गया। और जो ज्वेलर थे, जैसे हमारे लोकल के ज्वेलर हैं जिनसे हम अधिकतर ज्वेलरी लेते हैं, तो वो थे, तो ऐसे होता है ना उनको मालूम है कि इनके घर में ये चीज़ें हुई हैं, तो उन्होंने भी हमको इतना ऐसा कुछ बोला नहीं था कि आपकी चीज़ें, फिर उनको लगा होगा कि शायद इनके तो माइंड में ही नहीं है या इनको याद नहीं है, तो उन्होंने फिर रिमाइंड कराया था पापा जी को कि ऐसे ऐसे आंटी जी आए थे, उन्होंने सामान बनने के लिए दिया हुआ था तो आपका सामान रेडी हो चुका है, टाइम हो चुका है तो आप ले जाओ, तो रिसीव हुआ है। तो इस उससे पता है ऐसे लग रहा था कि एक ऑब्वियसली मम्मी जी को हर ओकेजन पर याद कर, लेकिन इनडायरेक्ट वे में जैसे उनका एक आशीर्वाद मिल गया, एक ब्लेसिंग मिल गई हो, दोनों को हमें मिला तो बड़ा अच्छा लगा। तो मैं दिखाती हूँ कि क्या करवाया है तैयार, जिन्हें हमारे लिए तैयार करवाई है ये चेन, आपको पास से दिखाती हूँ। मतलब ना इस तरह की चेन है कि आप रेगुलर में आप डाल सकते हैं इसको, तो दोनों के लिए है, दोनों में सेम डिज़ाइन था और ये मम्मी जी की पसंद का ही डिज़ाइन है। तो फ्रेंड्स ये है चेन का डिज़ाइन, सिंपल एंड सोबर है, रेगुलर यूज़ के लिए बहुत ही अच्छी है, दीदी और मेरी दोनों की सेम है। तो देखिए और पास से दिखा देती हूँ, और ये विदाउट फ्लैश है, फ्लैश ऑन करके वो थोड़ा सा अजीब सा येलो बना रहा था, तो ये है इन रियल ऐसी है। तो बस आज का वीडियो यही एंड कर देते हैं, ठीक है। पसंद आता है वीडियो तो लाइक कर दे कीजिए एंड यस, और हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे डेली ब्लॉग्स देखने के लिए, डेली ब्लॉग्स तो नहीं, ऑल्टरनेट ब्लॉग्स भी नहीं, बट हाँ हफ्ते में 2-3 तो आ ही जाते हैं ना, तो बस बने रहिए हमारे साथ, हमें सपोर्ट कीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। क्या लाए हो बताओ ना, क्या है? पिज्जा खा के आयो? चलो बच्चों आ जाए, एक एक ले जाओ, खा ले जाओ। तो अपना नाम कहाँ लिया, बच्चों का लिया? देखो नहीं खाएंगे हम, अब करना पड़ेगा आज ला परीक्षा। आज ही के दिन लानी थी आपको, आज ही से हम डाइट पे आए हैं। इसमें कम थी, इसमें अलग। अच्छा वो अलग से वो। एक एक तो बच्चों की हो जाएगी इसमें। अरे मेरे आ गया ना, दिखा तो सही, दिखाओ। ये तो अलग, ये कहते इसको मत लेना, ये वाली पेस्ट्री, तो ये वाली हमारे लिए। ये देखो किस बात का किस बात का सिया, हाँ सिया नहीं खाएगी, सिया को पसंद ही नहीं है पेस्ट्री, केक ही तो है। अरे वो मुद्दा अभी रुको, ला रही हूँ। हाँ पूरा ही लेना है भाई। हैप्पी बर्थडे, इसके ऊपर एक कैंडल लगा लो बस। किसका किसका नो नून का है, किसका बर्थडे? बजार में बताया उसने, अभी रुको साइड दे रही हूं, स्टील की प्लेट बस स्टैंड पे देना। हां अब हम नहीं, मैंने वहां खोल दिए कहीं अलग से। हमसे भी पूछ लो, आप लोग डाइट पे आ गए ना? हां यार, मौका देख के लाया हूं।